डिजिटल के जमाने में नोटबंदी भी डिजिटल हो सकती है। इसका उदाहरण है पेटीएम। घबराइए मत, नोटबंदी नहीं हुई है, लेकिन कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप यूज नहीं कर पाएंगे। कौन सी सर्विसेज जारी रहेंगी और किसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा और ऐसे में दूसरा रास्ता क्या होगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। पेटीएम, 3 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स, 30 करोड़ वॉलेट्स, 80 लाख फास्टैग्स और हर महीने 1.6 बिलियन UPI ट्रांजैक्शंस। तो क्या ये सब बंद हो जाएगा? नहीं। आप ये समझिए कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक दो अलग अलग कंपनीज हैं और इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। RBI ने नियमों की अनदेखी की वजह से जो एक्शन लिया है वो पेटीएम के पेमेंट बैंक के खिलाफ लिया गया है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विसेज इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए मिलती हैं, वो 29 फरवरी के बाद से बंद हो जाएंगी, जबकि बाकी सर्विसेज पहले की तरह जारी रहेंगी। अब इसमें क्या क्या आता है? RBI ने लंबा चौड़ा नोटिस जारी किया है, हम इसे आसान भाषा में समझते हैं और इसके बाद ये बताएंगे कि आपको इसके बाद क्या स्टेप लेना है। 29 फरवरी के बाद से कस्टमर्स के अकाउंट्स में, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में, वॉलेट में, फास्टैग और NCMC कार्ड्स में कोई डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सभी अकाउंट्स में आपके कितने भी पैसे हों, आप कभी भी इसे निकाल सकते हैं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम में सिर्फ UPI, AEPS, IMPS की सर्विसेज रहेंगी ताकि आप अपने पैसे निकाल पाएं और इसके अलावा कोई और सुविधा अवेलेबल नहीं होगी। अब सबसे जरूरी सवाल, आपको क्या करना है? अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक में करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है तो आपको उसमें से पैसे निकाल कर बंद करवा देना चाहिए। अगर आपके पास पेटीएम के पेमेंट बैंक से लिंक्ड फास्टैग है तो आपको उसको ट्रांसफर कर लेना चाहिए। अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है और वो पेटीएम के पेमेंट बैंक से लिंक्ड है तो आपको उसमें से भी पैसे निकलवा कर उसे बंद करवा देना चाहिए। अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं और वो पेटीएम के पेमेंट बैंक से लिंक नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, वो काम करता रहेगा। लेकिन अगर UPI पेमेंट बैंक से लिंक्ड है तो उसमें से भी पैसे विड्रॉ करके उसे बंद करवा देना चाहिए। पर पेटीएम के पेमेंट बैंक के साथ ऐसा हुआ क्यों? RBI की क्या मजबूरी थी कि उसे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा? आपके डेटा की सेफ्टी। RBI ने 2022 में पेटीएम का ऑडिट किया था जिसमें कई सारे लैप्सेस पाए गए थे। पेटीएम बैंक ने बिना KYC के कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल ये था कि इतना पैसा आ कहां से रहा है? किसी थर्ड पार्टी को KYC सर्विसेज दे दी गई थी। RBI की पॉइंट आउट करने के बाद भी इन अकाउंट्स को हटाया नहीं गया। दूसरा, पुअर IT सिस्टम। RBI के ऑडिट में पता चला कि पेटीएम पेमेंट बैंक के IT सिस्टम में कई लैप्सेस थे और खराब IT सिस्टम होने की वजह से कस्टमर्स का डेटा लीक हो सकता था और RBI कस्टमर्स के डेटा के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके बाद RBI ने मार्च 2024 के बाद से नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने पर रोक लगा दी थी। और ऐसे ही कई लैप्सेस होने और RBI के नोटिस भेजने के बावजूद जब पेटीएम के पेमेंट बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया तो RBI को ये फैसला लेना पड़ा।